हाय फ्रेंड, मैं सर डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों, हमारे पेशेंट शिवराज जी, इनकी साइनस सर्जरी हुई थी आई थिंक 4 मंथ बैक। क्या सर्जरी थी, कैसी सर्जरी होती है, मैं सब बताऊंगा। बस सबसे पहले जो है शिवराज जी की जो इनकी जर्नी, हम इन्हीं से जानेंगे कि भाई कैसा ये फील कर रहे हैं बिफोर सर्जरी, और बताओगे सर आप अपना। बिल्कुल सर। सो मेरे को बहुत टाइम से साइनस था, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, सो नहीं पाता था। सो मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में पता लगा अपने फ्रेंड से, मैं आया, मैंने चेकअप करा, देन डॉक्टर साहब ने रिकमेंड करा कि मेरे को सर्जरी करवानी चाहिए। एंड आफ्टर द सर्जरी मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिलीफ है, मैं प्रॉपर सो पा रहा हूँ, एंड एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। बट शिवराज जी, जैसे है ना, बहुत सारे लोगों को है ना दिमाग में बहुत सारा मिथ है, उनको ये लगता है कि ये सर्जरी तो बार बार करानी पड़ती है, या उनको लगता है कि बाहर से कोई निशान आ जाएगा, या इसमें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। क्या आपका मैसेज है उन लोगों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई निशान नहीं होता, बहुत ही स्मूथली हो जाती है सर्जरी। थोड़े दिन का रेस्ट होता है, बट आई वुड से कि बहुत ही एक्सपीरियंस बढ़िया है, एंड सबको करानी चाहिए जो भी इशू फेस करते हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू दोस्तों। जो शिवराज जी ने बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो आपके दिमाग में मिथ है, हो सकता है कई बार हमारे दिमाग में कई कुछ हमने देखा है या पड़ोसी ने कुछ बोल दिया। साइनस जो हमारे नोज़ के दोनों तरफ होते हैं, उनमें अगर आपके पॉलिप्स बन गए, तो पॉलिप्स बनने के बाद में हमें क्या है, नेजल ब्लॉकेज रहता है। एंड सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, जो लोग इलाज नहीं कराते दोस्तों, बहुत बार क्या है साइनस के अंदर फंगस डेवलप हो जाती है। आपने सुना होगा म्यूकर जो हुआ था, तो साइनस की जिनको प्रॉब्लम थी उनको म्यूकर माइकोसिस मैक्सिमम हुआ था। तो म्यूकर के कारण साइनस के अंदर फंगस इन्फेक्शन से बहुत बार आँख की रोशनी भी चली जाती है, बहुत बार मेनिंजाइटिस या कई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसलिए क्या है, साइनस की अगर डॉक्टर ने हमें सीटी स्कैन देख के बोला है कि आपको साइनस सर्जरी की नीड है, तो हमें कराना चाहिए। नंबर वन, बाहर से इसमें कहीं भी इंसिजन नहीं लगता, ये निकाल देना चाहिए मित्र। एंड दूसरा इसमें क्या है कि सर्जरी के बाद के अंदर कुछ मेडिकेशंस एलर्जी के पेशेंट्स को लेनी होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये वापस बार बार सर्जरी करानी होती है। इसी डर के मारे हम क्या है कि इलाज नहीं कराते। ये आपके सामने है, इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, कॉम्प्लिकेशंस हर चीज़ में है। हम फ्लाइट जर्नी करते हैं उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लिकेशन अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव व्यू में लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं। अच्छा जो सर्जन होता है, जिसमें अगर आप अच्छे तरीके से सोफिस्टिकेटेड वे में सारा आर्मामेंटेरियम सारे इंस्ट्रूमेंट से आप करते हो, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। थैंक यू एंड थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर।